हरिओम, मंत्र योग प्रणव मेडिटेशन में आपका स्वागत है। आज पूरे संसार में वैदिक विषय और वैदिक साहित्य की धूम है, सनातन का चारों तरफ बोलबाला है। और ये ऐसे ही नहीं है, वैदिक साहित्य में, वैदिक साहित्य की प्रज्ञा में, वैदिक साहित्य की प्रज्ञा का अर्थ वैदिक साहित्य का जो कंटेंट है, उस कंटेंट में जो, उस कंटेंट की भी जो आत्मा है वो ऐसे ही सर्वश्रेष्ठ नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने देता हूं। शुक्ल यजुर्वेद में 1975 मंत्र हैं और 1975 मंत्र में 317 बार विश्व शब्द आया है। 317 बार विश्व शब्द आया है 1975 मंत्र संहिता में, शुक्ल यजुर्वेद के। और ये ग्रंथ 50,000 साल पुराने हैं। तो 50,000 साल पहले जो विचार किया गया, जो विचार मंथन हुआ और जिसको श्रुति परंपरा से याद रखा गया, स्मरण में रखा गया और जब उसको लिखा गया तो वो 1975 ऋचाएं कहलाई। और 1975 ऋचाओं में 317 बार विश्व शब्द आया है। क्या चिंतन था उस समय, क्या चिंतन था। एक भी स्क्रिप्चर आप उठा के देखिए दुनिया में कहीं का भी कैसा भी, इतने नंबर्स, इतनी ऋचाओं में, इतने मंत्रों में, इतने लाइनों में, जो भी आप कहें उसको, वर्सेस में विश्व शब्द के बारे में चिंतन आ सकता है क्या। विश्व तक्षक शुरू तो विश्व तो मुखो, हर जगह विश्व, 317 बार क्या प्रतिशत हो सकता है 1975 मंत्रों का। इस पर जरा गौर फरमाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे ब्लेस्ड।